वाले ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में। मुझे पता है बहुत लोगों को जानना है यूनिवर्स का, जैसे प्रो प्लान लेंगे उसके बाद हम लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रो प्लान का रिव्यू दो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को, ये लास्ट वीडियो होगा शायद यूनिवर्स के ऊपर, और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने सारे कॉमेंट्स के रिप्लाई दिए, लेकिन दो कॉमेंट्स हैं जिसका मैं वीडियो में रिप्लाई दे दूंगा, SL प्रोवाइड नहीं करते, तो इसका भी रिप्लाई दे देंगे। यूनिवर्स का ऑप्शन ट्रेडिंग का रिव्यू दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए खुशी की खबर है, वो ये है कि यूनिवर्स का जो भी प्रो सब्सक्रिप्शन होता है फ्यूचर ऑप्शंस और स्टॉक्स में, वो आप लोग फ्री में ले सकते हो। वो एक फ्री ट्रायल होता है 7 डेज का। उसको कैसे क्लेम करना है, क्योंकि मैंने क्लेम नहीं किया था, तो मैंने सपोर्ट से बात करी और मुझे क्लियर हो गया। तो आप लोगों को फ्री ट्रायल कैसे मिलेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो बेस्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब में, है ना। तो इसी बात में लाइक वाइक कर देना यार, वीडियो बनाने में मेहनत होती है। तो अभी हम लोग वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ देखो, मैं यूनिवर्स को यूज़ करता हूँ फ्री फीचर्स के लिए, मुझे प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको चाहिए प्रो रिव्यू। तो प्रो रिव्यू जो है, मैंने सपोर्ट से थोड़ी बहुत बात करी, और यहाँ में आप लोगों को जो यूनिवर्स ऐप है उसमें भी आप एक तरीके का रिव्यू ले सकते हो, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म जो भी ट्रेड्स होते हैं वो दिखा देते हैं कि कितने ट्रेड सक्सेस होते हैं। और मैंने सपोर्ट से बात करी, देखो जो स्टॉप लॉस का सीन है, स्टॉप लॉस यहाँ में प्रोवाइड करते हैं, तो स्टॉप लॉस का कोई भी यहाँ में इशू नहीं आएगा। और जैसे हम लोग प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो नोटिफिकेशन है वो तीन तरीके से आता है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और जो यूनिवर्स का ऐप है, इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये लोग प्रो प्लान जैसे आप लोग लोगे तो नोटिफिकेशन में कुछ भी गद्दारी नहीं करेंगे, ऐसे सपोर्ट ने कहा है, तो टेंशन ना ही लें तो ही अच्छा है। अभी जो मेन चीज़ है वो है प्रो रिव्यू। तो प्रो रिव्यू में आप लोगों को मैं बताऊँगा अभी, क्योंकि यहाँ में एक भाई है जिन्होंने रिव्यू दे के रखा है, उसमें कुछ हम लोगों को दिख जाती है ट्रेड आइडियाज़, तो लाइव ट्रेड आइडियाज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, मैं जो वो होता है क्रेडिट होता है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका अभी चैनल का लिंक है। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ में गैदर करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। भाई जितना बड़ा फ़ायदा दिखता है ना इन सब में, रिस्क भी तो यहाँ में देखो, ये टैप टू अनलॉक करेंगे हमारे जो भी भाई हैं। तो टैप टू अनलॉक करने के बाद यहाँ में दिख जाता है जो टाटा मोटर्स शेयर है, इसका सजेस्टेड एंट्री था 992 रुपीज़, अभी टारगेट 1300 है। पोटेंशियल लेफ्ट देखो, इसका जो सजेस्टेड प्राइस है, मैं और एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक का सजेस्टेड प्राइस होता है उसके ऊपर अगर चला जाता है तो बाई मत करो। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है यूनिवर्स ने लेके आ चुका है। जब भी कोई प्राइस पॉइंट आप लोगों से मिस हो जाता है ट्रेड, तो ये लोग क्या करते हैं उसमें आप लोगों को पोटेंशियल कितना है वो बताते हैं। अगर टाटा मोटर्स में और ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो ही ये आप लोगों को बोलेंगे कि आप इसको बाइक कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल लेफ्ट है। अगर पोटेंशियल लेफ्ट नहीं होगा, सपोज करते हैं रेजिस्टेंस के पास झूल रहा है, तो ये पोटेंशियल लेफ्ट में बहुत ही कम होगा, करीब करीब 1-2% पोटेंशियल होगा, तो उसमें आपको बाई नहीं करना है। यहाँ में देखो 32% पोटेंशियल है, तो आप अभी भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस होता है यहाँ में दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे इसमें क्लिक करेंगे हम लोग को स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो स्टॉप लॉस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, और सारी चीज़ें बढ़िया है, ठीक है। बाकी आप लोगों को रीज़न भी बताते हैं क्यों बाई करना है, क्यों सेल करना है। तो प्रो रिव्यू यहाँ में हो चुकी है, जो भी इनके ऐप है उनमें तो हमको दिखता ही है कि एक्यूरेसी कितना है ट्रेड्स में, ठीक है। तो बाकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शंस की रिव्यू आप लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं वो आप लोगों को व्हाट्सअप में आ जाता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस व्हाट्सअप में अपडेट मिलता है, तो वहीं से आप लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मुझे लगता है यूनिवर्स जो है आप लोगों को स्टॉक्स के लिए ही यूज़ करना चाहिए, स्टॉक्स के लिए बेस्ट होंगी, ठीक है। ऑप्शंस के लिए बेस्ट मुझे नहीं लगता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत ही वोलेटाइल एसेट है, ठीक है। तो अगर कोई बिगिनर हो तो स्टॉक्स के लिए श्योरली यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस प्रोवाइड करा जाता है, मैं सपोर्ट का जो रिकॉर्डिंग होगा वो एंड में लगा दूंगा। बाकी इस वीडियो में मैं कुछ फ्री फीचर्स भी आप लोगों को लगा दूंगा जो भी मैं यूज़ करता हूं। और रही बात यहाँ में प्रो प्लान्स के बारे में, वो भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी के लिए आप लोगों को क्लियर हो गए, जो भी इनके प्रो प्लान होता है उसको आप लोग ले सकते हो, वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ में बहुत ही अच्छी एनालिसिस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वीडियो था, अभी हम लोग बात करते हैं कैसे आप लोग फ्री ट्रायल ले सकते हो, उसके बाद बाकी चीज़ें बात करेंगे। तो फ्री ट्रायल लेने के लिए आपको बस एक काम करना है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मेरा रेफरल लिंक, उसमें से जाके आप लोग फ्री ट्रायल ले सकते हो। तो फ्री ट्रायल प्ले स्टोर से भी जाके ले सकते हो। तो क्या करना है आप लोगों को, वहाँ में ऑटोमेटिकली जो फ्री ट्रायल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है जैसे आप लोग अकाउंट ओपन करते हो। आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों को सेगमेंट फ्यूचर ऑप्शन या फिर स्टॉक्स जो भी आइडिया आप लोगों को चाहिए उसमें आप लोगों को टैप टू अनलॉक कर लेना है, ठीक है। टैप टू अनलॉक आप लोगों का ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट 7 डेज़ के लिए। ये जो अवेलेबल होता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 7 डेज़ के लिए होता है, जिस दिन आप डाउनलोड करते हो अकाउंट बनाते हो, उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए 5 ट्रेड्स आप लोगों को फ्री में मिलेंगी।
वो कोई भी हो सकता है, स्टॉक्स की या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आप लोग जाके सिलेक्ट कर सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगा। तो सपोर्ट से ये बातें हम लोगों को पता चली और सिंपल सा आप लोग जाके क्लेम करो, ऑटोमेटिक क्लेम हो जाता है फॉर 7 डेज़ के लिए। तो ये सारा वीडियो था, आई होप हम लोगों ने बेस्ट वीडियो बनाई पूरी यूट्यूब में। तो आप लोग नया अकाउंट बनाओ और 7 डेज़ के लिए 5 स्ट्रेट फ्री ट्रायल लेके जाओ, ठीक है। बाकी बात करते हैं जो भी प्रो प्लान्स होते हैं, देखो यहाँ में स्टॉक्स ओनली का ऑप्शन है, प्रो लाइट, फिर स्टॉक्स प्लस ऑप्शन है, स्टॉक प्लस फ्यूचर है, फिर तीनों का ऑप्शन आता है, स्टॉक करो, फ्यूचर करो, ऑप्शन करो। तो ये सारे प्लान्स आप लोग अपने हिसाब से चूज़ करो। अगर आप लोगों को स्टॉक्स में सिर्फ इन्वेस्ट करना है तो प्रो लाइट करके है, तो स्टॉक्स का ऑप्शन चूज़ कर लो। इसमें क्या है, अगर आप लोग 3 महीने के लिए लोगे तो 1200-1300 रुपये है, लेकिन अगर 1 साल के लिए लोगे तो आप लोगों को प्रीमियम जो हो वो कम में मिलेगा आप लोगों को। वैसे ही सीन है, अगर आप लोग कम टाइम के लिए लोगे तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा टाइम के लिए लोगे सपोज़ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आप लोगों को कम पैसे में प्रीमियम जो है वो मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग एंजॉय कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो बेस्ट लगी। तो कुछ भी फीचर्स हैं, फ्री फीचर्स मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा जो भी मैं यूज़ करता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और SL प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटी है। तो मिलते हैं हम लोग, बाय बाय। पहली बात, फ्री में आप लोगों को इस ऐप में क्या मिलेगा पता है, आपने आपका डीमैट अकाउंट है, आपने कोई कहीं भी कुछ भी स्टॉक्स उठा के रखा है पोर्टफोलियो में, तो वो पोर्टफोलियो आप लोगों को लिंक करना है। सेफ्टी का कोई टेंशन नहीं है, सेफ्टी है यहाँ में, ठीक है। तो जैसे पोर्टफोलियो लिंक करोगे उसके बाद जो यूनिवेस्ट है आप लोगों को क्या करके देगा पता है, पूरा एनालाइज करके देगा आपका पोर्टफोलियो, जो भी स्टॉक्स में आप लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है, क्या वो अभी उसको होल्ड करना है या फिर और ज़्यादा बाई करना है, या फिर वो जो भी स्टॉक्स आपने होल्ड करके रखा है पोर्टफोलियो में उसको सेल करना है। वो जो रिकमेंडेशंस वो एक्सपर्ट एनालिसिस करके आप लोगों को देती हैं, तो आप लोग वहाँ से भी बेनिफिट कर सकते हो, वो फ्री है तो अच्छा है। फिर सेकेंड में फ्री की बात करें तो जो इलीट इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, जो भी बड़े बड़े, उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है वो चीज़ें आप लोग देख सकते हो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है अपने पैसे, कौन से कंपनीज में होल्डिंग है, जैसे राकेश झुंझुनवाला सर है, उनका जो भी होल्डिंग्स है वो आप लोग चेक कर सकते हो, कहाँ कहाँ स्टॉक्स बाई करके रखा है कितने अमाउंट का। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया। थर्ड बेनिफिट की बात करें तो कुछ स्क्रीनर्स मिलते हैं, ऐसे जो स्क्रीनर्स आप लोग अभी देख रहे हो डेली चार्ट में, वहाँ में आप लोगों को जो भी स्टॉक्स ब्रेकआउट होते हैं वैसे कुछ स्टॉक्स के स्क्रीनर्स मिलते हैं जिसको आप लोग देख सकते हो। बाकी न्यूज़ वगैरह की बात करें तो यहाँ में न्यूज़ भी आप लोगों को मिलता है डेली, जो कि यहाँ में सारे ब्रोकर्स में न्यूज़ मिलते ही है अपडेट्स, ठीक है, Angel One हो गया, कुछ भी हो गया, तो न्यूज़ में उतना कुछ इम्पेक्ट करेगा नहीं, न्यूज़ आप आजकल सभी जगह फ्री में अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिलती हैं यूनिवेस्ट ऐप में। जो फ्री ट्रायल था वो अप्रैल में ही एंड हो गया था सर। अच्छा अच्छा, मतलब जब आप नया नया इंस्टॉल करते हैं ऐप को तभी आपको फर्स्ट 7 डेज। अच्छा अच्छा, तो अभी अगर मेरे कोई रिलेटिव ओपन करेंगे तो फर्स्ट 7 डेज में उनको फ्री ट्रायल का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, कैसे एक्टिवेट करना पड़ेगा? एप्लीकेशन में ही मिल जाता है सर वो, मतलब एक्टिवेटेड ही होता है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं एक्टिवेटेड होगा, वो एक्टिवेटेड ही होगा सर। अच्छा, कौन कौन से सेगमेंट में, इक्विटी या फिर और कुछ? सारे में 7 डेज के लिए, मतलब जी बोलिए 7 डेज के लिए आपको मिलता है, लेकिन 5 प्री ट्रेड्स ही मिलता है उसके अंदर आपको। अच्छा ओके ओके, तो मुझे और एक जानना था कि सपोज एक स्टॉक का एक आप लोगों ने सजेस्टेड प्राइस दिया 990, अभी वो पहुंच गया है सपोज 1020 के पास पहुंच गया, तो अभी उसको आप लोग जब रेकमेंड देते हैं तो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग इक्विटी और फ्यूचर्स में हम लोग स्टॉप लॉस नहीं देते हैं, नोटिफिकेशन के बेस पर ही हम लोग काम करवाते हैं। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज सब्सक्राइबर बेस इज वेरी हाई। ओके यस ओके, अगर आपके जैसे स्टॉप लॉस एक ही अमाउंट पे लगा दिया, जैसे 20,000 रुपए का स्टॉप लॉस दे दिया और वो अमाउंट लगा दिया 20,000 लोगों ने भी, ठीक है, आपका जो ऑपरेटर है उसको नोटिफाई हो जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा अच्छा ओके, तो मुझे यही जानना था, धन्यवाद, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी फ्री ट्रायल के बारे में भी, और थैंक यू।